पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीती रात को राधिकापुर एक्सप्रेस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के कारण ट्रेन धुलियान गंगा और बल्लालपुर के बीच डिरेल हो गई। इसके बाद इंजन पटरी से जा उतरा और फिर आग लग गई। इंजन के पटरी से उतरने के बाद इसे तुरंत ट्रेन से अलग कर दिया गया, ताकि बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके। अलग करने के कारण आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारणों का पता लगाया जा रहा है। हादसे में 15 यात्रियों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि रिपेयरिंग का काम जारी है और आसपास काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। गनीमत रही कि इंजन को ट्रेन से अलग कर दिया गया और आग बुझ गई। समय रहते तत्काल सारे काम किए गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। बताते चले कि इस घटना के बाद मालदा डीआरएम और सुरक्षा अधिकारी पहले सुबह घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, ताकि टक्कर से किसी तरह बचाया जा सके, लेकिन इससे पूरी दुर्घटना नहीं टल सकी। हाल एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जरूर गई। अधिकारियों के मुताबिक अगर लोको पायलट सतर्क नहीं होता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। ट्रेन के टक्कर से ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के कारण मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को भी कुछ देर के लिए बाधित होना पड़ा। बाद में राधिकापुर एक्सप्रेस से जा रहे यात्रियों के लिए वैकल्पिक वाहनों का इंतजाम कराया गया। खबर दिखाए जाने तक हालत सामान्य हो गई है और ट्रेन सेवाएं चालू कर दी गई है। बारह बज के 20 मिनट पे जो इंजन था वो पहिए पटरी पे वापस आ गए थे, रिरेल हो गया था। और उसके बाद हमारा 1:30 बजे 1:30 मिनट पे हमारा ट्रैक फिट हो गया है और इंजन भी यहाँ से साइड से मूव कर गया है, आपने देखा होगा। तो अब हमारा ये ट्रैक कम्प्लीटली फिट है ट्रेन रनिंग के लिए। बालूरघाट एक्सप्रेस आ रही है पीछे, बालूरघाट एक्सप्रेस अभी यहाँ से अपने प्रॉपर पाथ से जाएगी, तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों हमारी रेस्टोर हो गई है, नॉर्मल हो गया है। और बस केवल एक छोटा सा एक औपचारिकता होती है कि हम जो टावर वैगन से ऊपर का जो बिजली का तार होता है उसकी चेकिंग, तो वो आगे आगे टावर वैगन चेकिंग करता हुआ निकल जाएगा, पीछे से बालूरघाट एक्सप्रेस जो है वो प्रॉपर टाइम पर निकलेगी। ট্রাকের পেছন দিকে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে, সেই জন্য সামনে ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেছিল। ট্রেনটা কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে? ট্রেনটা 1:20 থেকে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যাচ্ছিল? রাধিকাপুর যাচ্ছিল, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস 1:01:45। কোনো দুর্ঘটনা কোনো কিছু হয়েছে? কোনো মানুষের যখন খবর নেই, তবে সবাই ঠিকই আছে। ইঞ্জিনে কি আগুন লেগে গেছিল? ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেছে। আপনার নাম? জাম কর দিয়া।
ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज़।